नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा 19 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया, जिसमें 18 पुरुष कैदी और एक महिला शामिल है। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के द्वारा जारी आदेश के तहत केंद्रीय जेल रीवा से अच्छे आचरण करने वाले कैदियों को रिहा किया गया। रिहा कैदियों में शहडोल, सीधी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली जिले के कैदी शामिल है। वहीं ज्यादातर आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कैदियों को रिहा किया गया है। रिहा होने पर कैदियों ने अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए रिहा होने के बाद परिवारों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने की बात कही है। रिहा कैदियों में रामकेश पटेल, ललाव उर्फ लल्ला कोल, लक्ष्मण उर्फ बब्बू, विनोद कुमार तिवारी, शिवदत्त विश्वकर्मा, हीरा सिंह, शीतल सिंह, तेज मणि रजक, मोतीलाल कोल, विनोद कोल, गयादीन साकेत, पन्नालाल साकेत, रामाश्रय साकेत, मंगलदीन ढीमर, राजवंती साकेत, सुरेंद्र सिंह, हुब्बालाल साहू, केदारनाथ द्विवेदी और बुद्ध सेन उर्फ बाबू साकेत शामिल है, जिन्हें केंद्रीय जेल से रिहा किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं रिहा होने वाले कैदियों ने क्या कहा है। अपना कौन सा रहा है कागज में? हाँ हाँ जय जमा रहा है, सब मिल गया। जय 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 कागज में? हाँ हाँ जय जय जमा रहा, सब सब मिल गया। डेढ़ सौ जमा है दादा अभी। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाए। किस जुर्म में आप अंदर हुए थे? 302 में। किस वर्ष में? 15 वर्ष। अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आजाद मैं हो गया, अच्छे से जाऊंगा तो रहूंगा, ऐसा कोई मेरे से भूल नहीं। क्या नाम है भैया? आपको किस जुर्म की सजा मिली थी आपको? क्या नाम है आपका? तेज मणि रजक नाम है। किस जुर्म में? प्रसाद रजक। किस जुर्म में अंदर हुए? 302 में। और छूटने के बाद आप क्या संदेश देने वाले हैं? यही संदेश देना है, कभी कोई यहाँ ना आए, सभी अच्छे से जिंदगी गुजारे, यहाँ ना आना पड़े किसी को। तो कैसे हो गया था ये घटना? आप गुस्से में हुई थी? नहीं सर, लाठी डंडा लग गया चोट। कैसे आप आ गए थे जेल के अंदर, बताइए अपने बारे में। क्या संदेश देंगे अब आगे लोगों को? आगे अब क्या संदेश? किस जुर्म में अंदर? किस जुर्म में अंदर हुए थे? 302 बताया तो। 302 रुकेगा, रुकेगा जी सर, रुकेगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। देश के 73वें गणतंत्र की आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, बिंदवासियों को, रीवा जिले वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी सम्मानित जनों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज के दिन हमें गणतांत्रिक मूल्यों के अधिकार मिले थे और हमारे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आज वो महान दिन है जब हर भारतीय को संवैधानिक अधिकार मिले थे, लेकिन हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा एक गर्व का दिन है, हर भारतीय के लिए एक महान त्योहार का दिन है। लेकिन जो गणतंत्र की अवधारणा थी, जो हर भारतीय के लिए, जिस गणतंत्र की
अवधारणा थी जो हर भारतीय के लिए गणतंत्र से मिले संवैधानिक मूल अधिकार थे। जहां प्रतिवर्ष इनको मजबूत होना चाहिए था, जहां निरंतर भारतीयों को अपने अधिकारों और संवैधानिक अधिकार मिलने थे, हमें बोलने में कहीं गुरेज नहीं है कि लगता है धीरे धीरे ये कमजोर हो रही। जो मजबूत लोग हैं हमारे गणतंत्र के मौलिक जो सिद्धांत हैं उनसे खेल रहे हैं। आज जरूरत उस वास्तविक गणतंत्र की उन लोगों तक पहुंचानी है जिनको वास्तविक जरूरत है, वो है हमारे युवा बेरोजगार भाई, आउटसोर्स कर्मचारी, किसान मजदूर। आइए एक बार फिर संकल्प लें कि अब हम अपने गणतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उसको हम लेके रहेंगे, उसे किसी के हाथों में गिरवी नहीं होने देंगे और ये अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार फिर आप सबको 73वें गणतंत्र की बधाई और जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति। सादर नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।